मुसलमान तो है माशाल्लाह। हाँ मुसलमान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस बेटे का नाम बताओ जो नबी थे। खैर है, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कि आखिरी नबी का नाम क्या है? ये तो पता नहीं है। कि आसमानी कितनी किताब है? आसमानी 7 किताब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जावेद नाम। जावेद नाम जी। जावेद भाई क्या करते हो? बस यही, हम अंगूठी बंगूठी बेचते, सांप दिखाते लोगों को, तमाशा दिखाते। माशाल्लाह माशाल्लाह। जावेद भाई ये बताओ कि आखिरी नबी का नाम क्या है? ये तो पता नहीं है। हाँ ये पता नहीं है। सामने देखो, ये आखिरी नबी का नाम नहीं पता? नहीं पता है। कलमा पढ़ना आता है? हाँ पढ़ना। भाई बताओ। अभी नहीं ना। क्यों? अभी नहीं, अभी नहीं, कलमा भी नहीं आता है। कलमा नहीं आता आपको? तो मेरी जान के डॉक्टर, ये तो फिर मुसलमान के लिए तो कलमा अहम चीज़ है। सही बात है। नमाज पढ़ते हो आप? ये नहीं, नहीं। कभी कभार ईद पे नमाज पढ़ लेते हैं। ईद पे नमाज पढ़ लेते हो? ईद पे। मुसलमान तो है माशाल्लाह। हाँ मुसलमान। तो आपको कलमे का नहीं पता, हमारे नबी का नहीं पता, कैसे मुसलमान है? ये हमारे उधर गांव में यही मसला होता रहता है ना, तो हमारे को इस बारे में इस्लामी तो कोई तालीम वालीम नहीं होती है। तो कभी आपने खुद भी नहीं सोचा कि मैं इस्लामी तारीख को पढ़ लूँ, नबी कौन है, अल्लाह कौन है, मुझे क्यों पैदा किया गया? ये समंदर खुद तो नहीं चलता ना? नहीं। इसके पीछे निज़ाम है ना? कोई निज़ाम है, अल्लाह पाक का निज़ाम। कभी तुमने ये समंदर पे आके तुमने कभी समंदर को देखा कि यार इसको चलाने वाला कोई है? खुद तो कोई चीज़ नहीं चलती। बिल्कुल सही बात है। हम कैसे पैदा हुए, हमें किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया? सही, अल्लाह पाक ने पैदा किया हर चीज़। अल्लाह ने कहा है कि मेरे हबीब के तरीके पे जो चलेगा वही कामयाब होकर आएगा। सही बात। पहले कलमा पढ़ना मैं सिखा दूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो आखिर में मैंने नाम लिया ना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी दे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी। ठीक है। और नमाज़ें वमाज़ें पढ़ते हो ना? नमाज़ पढ़ा करो। नमाज़ें पढ़ते हैं। गुस्ल का तरीका पता है? हाँ गुस्ल का। कैसा तरीका है? 5 तरीका है। कैसे? अभी बाद में बताऊँगा। गुस्ल का तरीका मैं बताता हूँ आपको। पहले कुल्ली करना है, गरारे, फिर नाक की नरम मड़ी तक पानी डालना है, उसके बाद पूरे जिस्म को धोना है। ठीक है? सही। ये गुस्ल का तरीका है। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। पढ़ाई वढ़ाई करी? हाँ। कौन सी क्लास? FSC तक छोड़ दी। ओ माशाल्लाह, गुड यार। काशी भाई फिर तो आपको पता होगा, दुनिया में सबसे पहले नबी कौन थे? हज़रत आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे का नाम बताओ जो नबी थे। खैर है, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कौन सा सवाल पूछ? हाँ कौन सा सवाल पूछ? नहीं वैसे क्यों पूछ रहे हैं? और सवाल? कोई और सवाल? नहीं और सवाल भी नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ। पूछा और सवाल मैं जवाब नहीं देना चाहता। बिल्कुल नहीं। हमारे आखिरी नबी का तो पता होगा? वो भी पता है, हज़रत मोहम्मद मोहम्मद जी। माशाल्लाह। गुस्ल के ज़रा आखिर में वजाहत कर दी, गुस्ल के अंदर कितने फ़र्ज है? यार मैं अब आलिम थोड़ी हूँ। नहीं आलिम तो नहीं है। वजू करने का तरीका तो पता है मुझे, फ़र्ज क्या? बस गुस्ल के फ़र्ज जनाब, FSC किया आपने माशाल्लाह, गुस्ल के फ़र्ज, गुस्ल तो हमारा रोज़मर्रे का काम है, हम रोज़ करते हैं गुस्ल। गुस्ल का तरीका तो पता होगा ना आपको? क्यों नहीं पता? क्या नाक में पानी होता है, मुंह में पानी डालो और पूरे बदन को अच्छी तरह गिला करो, कोई जगह खुश्क ना हो। बिल्कुल। गुस्ल के 3 फ़राइज़ है, कुल्ली करना, नाक की नरम मड़ी तक पानी डालना और पूरे जिस्म को धोना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेरा भाई ये बताओ कि आसमानी कितनी किताब है? आसमानी 7 किताब। कौन कौन सी? ये नहीं पता यार। हमारे नबी पे कौन सी नाजिल हुई थी? कुरान पाक। कुरान पाक जी। हमारे नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल। हज़रत हमारे नबी के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे का नाम बताओ जो नबी थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं मालूम। अच्छा शीस अलैहिस्सलाम थे। हज़रत ईसा। शीस अलैहिस्सलाम। शीस अलैहिस्सलाम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।